तो चलिए बात करते हैं उपचुनाव के अखाड़े की। उपचुनाव के अखाड़े में हम आपको सीधा लेकर चलते हैं करहल, जहां पर सीएम योगी की चुनावी जनसभा होगी। परिवार को चाहिए ताकि और किसी को नहीं चाहिए, कैसे चलेगा? और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, आपकी राजनीति की सबसे बड़ी त्रासदी है परिवार का
विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। ऐसे लगता है मथुरा वृंदावन फिर से 5000 वर्ष पूर्व के उस कालखंड में जा चुका है जब कृष्ण कन्हैया स्वयं वहां निवास करते थे। अभी मुझे पिछले कुछ दिनों द्वारिका में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। द्वारिका के क्षेत्र का पुनरुद्धार
तो मैंने सुना है कि लोकसभा चुनाव में जिन्होंने खटाकर खटाकर की बात कही थी, एक खटाकर खटाकर का क्या किसी को एक एक लाख रुपए इन्होंने दिया है क्या, किसी को दिया है क्या? मैं इनको भी बात सुनिए, बताओ क्या लोकसभा चुनाव के बाद किसी के खाते में पैसा आया क्या? इन्होंने झूठ क्यों बोला? इन्होंने झूठ क्यों बोला? ये कहते थे कि मोदी जी अगर आएंगे तो संविधान बदल देंगे। क्या मोदी जी तो फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन भी चुके हैं और बनने के बाद 6 महीने का कार्यकाल उनका पूरा हो गया, क्या संविधान बदला गया क्या? क्या आरक्षण समाप्त हुआ क्या? अरे मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पंच तीर्थों को निर्माण करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिया। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के संविधान को सिर में रखकर के नई संसद में स्थापित करवाया और 26 नवंबर की तिथि को भारत के संविधान दिवस की तिथि के रूप में मनाया। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने जाति के नाम पर नहीं, मत और मजहब के आधार पर नहीं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए उन्होंने कार्य किया। 4 करोड़ गरीबों को देश के अंदर मकान मिले, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने हैं और 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन भी पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में तो दीपावली और होली पर फ्री में घर वाला सिलेंडर दे रहे हैं लोगों को। 12 करोड़ अन्नदाता किसान के पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंच रहा है। 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा से पूरे देश के अंदर लाभान्वित हो गए हैं और बहनों भाइयों 80 करोड़ लोग पूरे देश के अंदर, जिसमें 15 करोड़ यूपी के हैं, इसलिए 4.5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ हर माह प्राप्त कर रहे हैं। क्या ये ऐसा पहले कभी हुआ है क्या? ऐसा कभी हुआ है क्या? आज तो कोई भी माफिया किसी गरीब की संपत्ति पर, किसी व्यापारी के प्रतिष्ठान पर कब्जा नहीं कर सकता, किसी बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसे मालूम है कि अगले चौराहे पर यमराज उसको उससे पहले उठा कर के लिए जाए। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी विकास की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी लोक कल्याण की गारंटी है और भारतीय जनता पार्टी विरासत की भी गारंटी है। विकास और विरासत का समन्वय कैसे होना चाहिए, सुरक्षा समृद्धि और सुशासन कैसे होना चाहिए, जब देखना है तो भारतीय जनता पार्टी उसकी गारंटी के रूप में आपके पास है। और इसीलिए मैं कहता हूं परिवारवाद से ऊपर उठिए। पटेल जी को एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। पटेल थे इतिहास गवाह है। पटेल थे तो पटेल थे, अब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उस एकता के लिए मैं आपके पास आया हूं। कमल आकार का निर्णय ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की झोली को भर दीजिए और बाकी विरासत और विकास की गौरव की कहानी और देश यादव आपके करहर में दोहराने का काम करेंगे, बेहतरीन तरीके से करके दिखाएंगे। और इसीलिए आपने आपके पास आया हूं। आप फिर अखिलेश यादव जी को भारी बहुमत से नहीं बना के भेजने वाले हैं ना? सभी लोग सहमत हैं।
सहमत हैं।